गोल्ड एक्सप्रेस फ्रॉड ने हज़ारों लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसमें ज़्यादातर लोग मीरा भाईंदर के हैं, क्योंकि गोल्ड एक्सप्रेस कंपनी की शुरुआत मीरा रोड से हुई थी। लोगों ने अपना घर तक दांव पर लगाकर इस कंपनी में पैसा लगाया था और गोल्ड एक्सप्रेस में करोड़ों का फ्रॉड हुआ था। मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन ने इस मुद्दे पर संज्ञान देते हुए आज महाराष्ट्र असेंबली में इस मुद्दे को उठाया। देखिए गीता जैन का पूरा भाषण। अध्यक्ष महोदय, गीता जैन। अध्यक्ष महोदय, माझा मतदार संघ मीरा रोड येथे अमीन मलपार आणि माझी सेलिया या दोन व्यक्तींनी शीतल प्लाझा शीतलनगर सेक्टर 6 या ठिकाणी गोल्ड एक्सप्रेस या नावाची गुंतवणूक कंपनी उघडली होती। दुप्पट व्याजाचे अमिष दाखवल्याने परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांनी करोडो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे। सदरील ठेवी व्याजासह घेण्यास गुंतवणूकदार गेल्यास ही कंपनी बंद झाल्याने त्याच्या निर्देशनास आले की त्यानंतर त्या गुंतवणूकदारांनी मीरा रोड पोलीस स्टेशन इथे तक्रार दाखल केली आणि या संदर्भात स्थानिक पोलिसांनी कोणताही तपास व संबंधित आरोपींना अटक केली नाहीये। यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, तसेच या गोरगरीब जनतेवर आर्थिक संकट निर्माण होत आहे। अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच लोकांनी त्यांचा घर तिथे त्यावर लोन घेऊन यात गुंतवणूक केली आहे, मग त्यांना आज घर सोडायची पाळी आली आहे। तर या प्रकरणी शासनाने तातडीने तपास करून संबंधित आरोपीला अटक करून पैसे परत करण्यात यावे, त्याची काय व्यवस्था करावी आणि त्यांना अटक करून कडक शिक्षा द्यावी। मैम, जैसा कि मुझे पता चला कि आज जो है कुछ लोग जो है गोल्ड एक्सप्रेस कंपनी, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का पैसा ठगा गया है, ऐसा कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे गरीब हैं, जिन्होंने अपना घर गिरवी रख के दिया है पैसा, मतलब बड़े परेशान लोग हैं वो लोग। और मैं 2-3 दिन से उसके न्यूज़ भी कवर कर रहा हूँ। मैंने सुना कि आज वो लोग यहाँ पे आपके पास आए थे कुछ मदद के लिए। उन लोगों को आपने क्या आश्वासन दिया और किस तरह से आप उनकी मदद कर पाएंगे इस मामले में? देखिए, बहुत दुखद घटना हुई, क्योंकि कुछ लोगों की कहानियां सुनेंगे तो शायद आंखों में पानी आ जाएगा। एक मौत भी हो चुकी है अटैक से, एक 39 साल के जी, उनकी वीडियो भी यहाँ आई हुई थी। तो ऐसे लोगों को मिलके दिल में बहुत दुख होता है। मैं ज्यादा कुछ तो उनके लिए शायद कर पाऊं, लेकिन मैंने ये कहा है कि प्रशासन में मेरा फॉलोअप इस मामले में जरूर रहेगा और सबसे बड़ी लीगल हेल्प जो उनको चाहिए वो उनको मैं मेरी तरफ से दूंगी। यही मैं उनके लिए कर सकती हूँ शायद, और भगवान से प्रार्थना उसके साथ साथ कि हम जो लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं उसमें मुझे सफलता मिले। उनका 100% नहीं, लेकिन उनका खोया हुआ कुछ तो उनको वापस मिले, ये मेरी कोशिश जरूर रहेगी।